मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग असल में अथीना के ग्रुप के मेंबर थे जो उस वक्त चैटिंग कर रहे थे। अचानक से यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो काफी डरा और काफी घबराया हुआ होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है कि तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए इनमें से एक जो डॉक्टर होता है वो उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और जमीन पर लेटा देता है। इसके बाद वो एक पेन मांगता है और इस आदमी के गले में मार देता है जिससे इसके गले से बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन वो आदमी उठता है और एक बोतल को तोड़कर उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जिससे ये सभी लोग हड़बड़ाने लगते हैं। तभी अथीना यहाँ आकर अपनी सैंडल की हील को उसकी आँख में घुसा देती है जिससे ये यहीं ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। इसके बाद अथीना अपनी सैंडल से उसकी आँख निकाल कर फेंक देती है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुंह को किसी चीज से बांधा गया है। उस लड़की के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जिन्हें कैदी बनाकर यहाँ पर लाया गया था। अब ये सभी एक खुले मैदान में पहुँचते हैं जिसके बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स रखा था। इनमें से एक आदमी उस लकड़ी के बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है जिसमे से एक छोटा सा पिग यानी सुअर बाहर आता है। उस सुअर के अलावा इस बॉक्स में बहुत हथियार भी थे जिन्हें ये सब आपस में बांट लेते हैं। उस लड़की को वहाँ पर चाबी मिलती है जिसकी हेल्प से सब अपने मुंह पर लगी हुई इस चीज को खोल देते हैं। तभी अचानक से उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। लेकिन इन पर ये फायरिंग कौन कर रहा था ये हमें मूवी के आखिर में पता चल जाएगा। खैर, एक औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है जो कि एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उस लड़की की हेल्प के लिए जाता है और वो देखता है कि वो गड्ढे में बिछाई गई जाल में गिरी है। वो उस लड़की को बाहर निकालता है जिसके बाद ये दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का पांव एक माइन पर आ जाता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये आदमी तुरंत मर जाता है लेकिन वो लड़की दोबारा से जाकर गड्ढे में गिर जाती है। तभी दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए आता है लेकिन अब उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था और आधा गड्ढे में पड़ा था। लड़की उस आदमी से अपने आप को शूट करने बोलती है पर यह आदमी उसे शूट नहीं करता, जिसके बाद वो खुद उससे गन छीनकर खुद को शूट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहां पर वो तीन लोगों से मिलता है। इन लोगों के सामने वायर्स की एक दीवार थी जिसे ये फांदने लगते हैं लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उस पर कोई तीर से अटैक करने लगता है, जिसके बाद ये आदमी वापस पीछे की ओर भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और तीरों से भूना जाता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तभी कोई उसके पास दो ग्रेनेड फेंकता है और वो फट कर मारा जाता है। इधर ये तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब ये लोग इनसे इस जगह की लोकेशन पूछते हैं तो ये बताते हैं कि हम अरकानसास नाम के स्टेट में हैं। ये सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जितने भी सभी लोग हैं वो अलग अलग जगह से पकड़कर यहाँ लाए गए हैं। अब इनमें से एक औरत वो यहाँ पर रखी हुई कोई चीज खा लेती है जिससे उसके मुँह से झाग निकलने लगते हैं और वो इस वजह से मारी जाती है। तभी ये दोनों शॉपकीपर्स मास्क पहनकर यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देती है और इनमें से एक को शूट करके मार डालते हैं। अब इससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों किसी प्लान का हिस्सा है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज को छुपा देते हैं। अब ये स्टोर इस तरह से चमका देते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है और इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है, जो इनसे पूछती है कि वो किस जगह पर है। इस पर ये वही जवाब देते हैं कि हम अरकानसास में हैं। इसके बाद क्रिस्टल शॉप से सिगरेट खरीदती है लेकिन जब उसे चेंज मिलता है तब उसे उन शॉपकीपर्स पर डाउट होने लगता है और वो गन से उन दोनों को मार डालती है क्योंकि अरकानसास के हिसाब से ये सिगरेट महंगी बेच रहे थे। अब क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है और उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है। उसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है, असल में वो किसी और ही जगह पर है जिसको उसे खुद भी नहीं पता। तभी उसे पता चलता है कि इस ट्रक में ही कुछ वायर्स हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल उसे छुपकर देख रही थी। अब इससे पहले कि गैरी ट्रक का दरवाजा खोलता, क्रिस्टल उसे बताती है कि ये ट्रक एक ट्रैप है और इसमें एक बॉम्ब लगा हुआ है। अब क्योंकि क्रिस्टल ने इस तरह गैरी का भरोसा जीत लिया था, इसीलिए ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन की पटरियों की ओर चलने लगते हैं। तभी इन्हें एक ट्रेन का पता चलता है जिसके बाद ये दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर और भी लोग मिलते हैं जो कि रिफ्यूजी थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए हैं और ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो हमें मारना चाहते हैं। तभी कुछ दूरी पर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है
है कि ये सब रिफ्यूजी फेक हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाते हैं। तब माइक नाम का आदमी गैरी के पास आता है और उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलता देख गैरी परेशान हो जाता है। तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, इसके अलावा बाकी सारे रिफ्यूजी असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं। इस बात पर गैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर झपट पड़ता है, जिसके बाद कुछ बॉम्ब उसके पास से गिरते हैं और इनमें से एक बॉम्ब वो माइक की पैंट के अंदर डाल देता है। इसके बाद बॉम्ब के ब्लास्ट होने से माइक मारा जाता है। फिर वो सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं, जहाँ क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि उसकी तरह ही प्रिजनर होता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग गया था। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। ये आदमी इनसे कहने लगता है कि कोई ना कोई तो वजह होगी जिस वजह से तुम्हें प्रिजनर बनाया गया हो। इस बात से क्रिस्टल को इस पर शक होता है। इसके बाद वो उसे लात मारकर कार से बाहर गिरा देती है और कुचल कर मार डालती है। इस पर डॉन क्रिस्टल पर चिल्लाता है और कहता है कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता था और बता सकता था कि उन लोगों ने हमें क्यों पकड़ा था और वो लोग हमें क्यों हंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसकी कार की डिग्गी खोलते हैं तब उन्हें वहाँ पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं हंटर की टीम से मिला हुआ है और अगर ये लोग इसे न मारते तो ये इन्हें मार देता। अब डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी सभी प्रिजनर्स थे वो सब मारे गए हैं, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इसके बाद हमें दोबारा से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सबको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था, और इसके साथ ही वहाँ पर वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस जगह पर हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था। और दोस्तों, शुरुआत में जो गोलियां प्रिजनर्स पर बरसाई जा रही थी वो ये लोग ही चला रहे थे। डॉन और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डॉन को वो सुअर मिल जाता है। वो हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुअर को वहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और वो एक एक करके इन सभी हंटर्स को मार डालती है। लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। तभी रेडियो के थ्रू अथीना की आवाज आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और डॉन को फंसाने के लिए कहती है, डॉन क्या तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। यह बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर भी डाउट होने लगता है। क्रिस्टल डॉन को कोई मौका दिए बगैर ही उसे भी मार डालती है। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है। वो उससे हंटर्स की बॉस अथीना की लोकेशन पूछती है और अथीना की लोकेशन लेने के बाद वो उसे भी मार डालती है। इसके बाद में हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। तो शुरुआत में जो हमने चैट देखी थी जिसमें सभी लोग बातें कर रहे थे लोगों को मारने की और हंट करने की, वो असल में सारी बातें झूठ थी, यानी कि वो सारी बातें जोक थी। पर जब ये चैट लीक हो गई तो उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर जिन्हें इन लोगों ने प्रिजनर बनाया था, उन लोगों ने उनके इस ग्रुप चैट को सच मान लिया और उसे सब जगह फैला दिया, जिस वजह से अथीना और उसके साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया। पहले तो उन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे, क्योंकि इन्हें उन लोगों से बदला लेना था जिन्होंने एक मजाक को सच में बदल दिया, जिसकी वजह से इनकी जॉब भी छूट गई और इसीलिए इन लोगों ने उन सब लोगों को इसमें शामिल होने के लिए ट्रैप किया। अब प्रेजेंट में जब क्रिस्टल अथीना की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि अथीना खाना बना रही है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। अथीना क्रिस्टल से कहती है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी बनाती है। लेकिन क्रिस्टल कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुमने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। इसी के साथ इन दोनों के बीच फाइट होती है और वो दोनों घायल हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद वो दोबारा फिर से उठती हैं और फाइट करने लगती हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जैसे तैसे जीत जाती है और अथीना हार जाती है। अब अथीना कुछ देर बाद मर जाती है पर क्रिस्टल जिंदा बच जाती है। वो अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और उसके ही कपड़े पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। बाहर की ओर उसे अथीना का प्राइवेट जेट दिखता है, जिसके बाद वो पायलट और हॉस्टेस को बंदूक की नोक पर टेक ऑफ और उसकी खातिरदारी करने के लिए बोलती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।